हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द मैस्कुलिन सेज यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ हैं मिस्टर निशमीत फ्रॉम ट्विटर। मैंने निशमीत के साथ काफ़ी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रखी हैं, अगर आपने वो नहीं सुनी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आज हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। सो हेलो निशमीत, कैसे हो भाई? हेलो सेज भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ। पहली बार ऑनलाइन स्पेस में मैं हिंदी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ द पॉडकास्ट लेट्स सी, सुधर जानी चाहिए, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लाइक इट इज द फर्स्ट टाइम, आई एम रिवीलिंग माय वॉइस इन हिंदी ऑन द इंटरनेट, सो लेट्स सी हाउ पीपल टेक इट। मोर ओवर थोड़ा सा टाइम लगेगा इंग्लिश को छोड़ने में, क्योंकि वो कैरेक्टर में है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आप मैस्कुलिन सेज हो, मैं निशमित जी हूँ, तो अभी तो अंग्रेजी आएगी, बट ठीक है। अभी तो रूट्स है, वापस लोगों को टैप इन करता है। आधे से ज़्यादा लोगों को भी ये कन्फ्यूजन है कि ओके वी आर द सेम पर्सन। ऑल राइट, सो स्टार्टिंग विथ अवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? आज हमारे पास काफ़ी सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें हम कवर करना चाहेंगे। इनमें से शुरुआत करते हैं फाइंडिंग आउट फेक इनोसेंट गर्ल्स। मतलब आउट ऑफ द क्राउड तुम्हारे पास एक पूल है बहुत सारी लड़कियों का, तो तुम्हें उनमें से पता लगाना है कि कौन सी लड़कियां अपना पास्ट छुपा रही है, इनोसेंट बनने का प्रयत्न कर रही है, दिखावा कर रही है, ताकि तुम फंस ना जाओ। क्योंकि हम बहुत बार देख चुके हैं, आई थिंक सेज भाई आपको ऐसे कंसल्ट भी बहुत सारे आए होंगे जिन लोगों को लगा था कि ये लड़की तो बढ़िया कंजर्वेटिव फुल ट्रैड, लेकिन फिर पास्ट का पता चला तो मुंह खुले रह गए। तो टू स्टार्ट विद, फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियों के संग देखो चीज़ क्या है कि उनको फेक करना बहुत अच्छे से आता है, बट इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम कि वो अपना बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो है, जो जिस चीज़ की उनको आदत लग गई है ओवर द टाइम, उसको हाइड करना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। एज इन इफ उनको एक सर्टेन लेवल की अटेंशन की आदत है तो उसके नीचे आना उनके लिए पॉसिबल नहीं, एंड यूजुअली वो अटेंशन मिलती है डीजेनरेट हरकतों से। इधर वो क्लब जाएगी और बहुत सारे लड़कों से बात करेगी, या फिर वो रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के फोटोज वगैरह पोस्ट करेगी, यूजुअल सोशल मीडिया सेट जो आजकल चल रही है। हाँ जी। नाउ व्हाट गर्ल्स डू इज, अगर उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल टोटली जीरो है, लाइक बिल्कुल प्रेजेंस ही नहीं है, दैट इज द रेड फ्लैग। जैसे आपने देखा कि ओके समवन इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट सडनली जब आप उनसे मिले तो आपको मिला कि ओके इनका अकाउंट तो अभी नया ही है, ले दे के कुछ 20 लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज अ रेड फ्लैग। यू नीड टू बी श्योर अबाउट कि ओके अगर सामने वाला इंसान प्राइवेट अकाउंट चला रहा है, उस पर जीरो पोस्ट हैं, तो या तो वो सालों से उसके पास, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अभी का अकाउंट है। अच्छा, अदर देन दिस आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वुमेन आर वेरी नेव, एज एन अगर आप उनको कंफर्टेबल फील कराते हो, इफ आप उनको ये फील कराते हो कि आई एम नॉट गोइंग टू जज यू एट ऑल, मैं जज नहीं करूँगा, ओके एंड यू कैन शेयर योर सीक्रेट्स विथ मी, अगर वो आपके संग सेफ फील करती हैं, और अगर आप इस चीज़ में कामयाब होते हैं कि उन्हें यह यकीन हो जाए ओके ये बंदा भी थोड़ा सा डीजेनरेट है, इसकी कहानी भी मेरी तरह सिमिलर ही है, तो फिर वो अपनी कहानी भी बताने में बिल्कुल भी दोबारा नहीं सोचेंगे, एक ही बार में आपको सारा सच बता देंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लड़कियां इमोशनली काफ़ी स्मार्ट होती है, लेकिन आप उनको बिल्कुल इंटेलेक्चुअली चूतिया बना सकते हो। या यू कैन यू नो यूज देयर डंबनेस अगेंस्ट देम, बेसिकली द ट्रोजन हॉर्स टेक्निक। आप फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेव करो कि आप ओके आप भी उन्हीं की तरह हैं, आपने भी सारे कर्मकांड करके रखे हुए हैं, इफ नॉट टू देयर लेवल बट ओके हाँ करके रखे हुए हैं, सो दैट सी वुमेन के संग चीज़ क्या है कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एक चीज़ गलत की या 10 चीज़ें गलत की। अगर आप 1% गलत हैं तो वो उसको बेसिस बना के अपने 20% गलत को जस्टिफाई कर देंगे। अच्छा नहीं, मेरे को बताओ तो फिर ये लड़कों के लिए गलत क्या होता है इन टर्म्स ऑफ, अभी आपने बोला कि लड़कियां देखेगी कि आपने कुछ गलत किया है कि नहीं अपने पास में, तो व्हाट एग्जैक्टली इज गलत इन टर्म्स ऑफ मेन?
See, in terms of men, according to me, galat is when you cheat on someone. When you lie, when you go against things which are morally incorrect, as in giving someone hope of love and then cheating them. If you are dating someone with the see, agar aap kisi ko date kar rahe ho ki okay, aapko chahiye bas physical intimacy. हाँ जी, और आप उस चक्कर में डेट कर रहे हैं और ये चीज पहले से क्लियर है, उसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें धोखा नहीं है. बट अगर आप सामने वाले को ये बोल रहे हो कि आप उससे प्यार करते हो, फिर उसके बाद आप फिजिकल इंटीमेसी लेते हो, फिर उसके बाद आप उसको डंप करते हो कोई एवरेज से रीजन देके, तो वो गलत है. बिकॉज यू आर चीटिंग समवन, यू आर स्पॉइलिंग समवन की किसी का ट्रस्ट तोड़ रहे हो. यू डोंट नो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो किस स्टेज में चले जाएंगे, ट्रॉमा होगा, और you never know, they can go in depression as well. So that is wrong. Okay. And from a general perspective, agar kisi ko aapko galat prove karna hai, to wo nayi nayi definitions bana hi lenge. Bilkul. Aapne bhale kuch bhi kiya, aapne kisi ko 1% dekha bhi ho, bhale hi aapka intention bhi nahi tha, to aapki nazar ko galat bata ke aapko tag kar denge, okay, iska character kharab hai. Bilkul, yahi wali cheez thi jis pe main aapko lana chahta tha ki galat jo ye shabd hai, ये बहुत कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है और ये चेंज होता रहता है. देयर इज नो कॉन्स्टेंट चीज जिसको जिसके थ्रू यू नो रेफरेंस पकड़ के हम बोल सकते हैं कि भाई इसके लाइन को क्रॉस किया तो गलत है, लाइन को क्रॉस नहीं किया तो सही है, क्योंकि वो लाइन जो है वो सोसाइटी के हाथ में है ना. सो द ब्यूटीफुल थिंग इज दैट यू कैन ऑलवेज चूज योर गेम. ओके, बताइए इसके बारे में, आपको किस डायरेक्शन में जाना है. जैसे लेट से आप बिल्कुल ब्लैंक स्लेट से चालू करते हैं कि चलो मैं एक स्ट्रेंजर बंदा हूँ, पता ही नहीं मैंने क्या करके रखा है. बट अगर आपको सामने वाले से बात की, आपको पता चला कि यू आर इन डाउट कि सामने वाले का पास खराब हो सकता है, लेट से मल्टीपल पार्टनर्स हैं नाउ, अगर आपको उसी डायरेक्शन में उसका सच निकलवाना है, तो आपको बस ये बोलना है कि आई हैड अ फ्यू पार्टनर्स टू स्टार्ट विथ, जस्ट से आई हैड 2 or 3 पार्टनर्स. द की कि आपको डिटेल्स नहीं देनी है, कौन था, कहाँ था, कब था, ये सब बिल्कुल नहीं बताना है. कि रिलेशनशिप कैसा था, सच्चा प्यार था, कैजुअल था, क्या था, वो भी नहीं बताना है. इससे क्या होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप स्टोरी को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो. लेकिन फिर सेज भाई, ये तो आप दूसरों को झूठ बोलना सिखा रहे हो, तो वो गलत होता है. गलत क्या होता है? हाँ, सी मोरालिटी इज अ मैन मेड कॉन्सेप्ट. एक मेरा बहुत ही ज्यादा समझदार दोस्त है, वो हमेशा कहता रहता है. हमारा समझदार दोस्त है वो. हाँ, करेक्शन, हमारा बहुत समझदार दोस्त है. सो इट इज अ मैनमेड कॉन्सेप्ट, एंड ऐसा नहीं है कि आप मोरालिटी पे चलते रहेंगे और आप हमेशा ही जीत जाएंगे. इन द महाभारत अगर सब कुछ मोरालिटी के हिसाब से ही होता, तो फिर अपन लोग यहां ना होते. सो यू नीड टू टेक एक्शंस जो कि जरूरी है आपके जीतने के लिए. ठीक है, आई एग्री ऑन दिस. बट मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी देखिए, हम ये जो जस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ यू नो, ताकि जो फेक करना चाहती है लड़कियाँ कि मेरा कोई पास नहीं है, ये है हाउ टू फिगर दैट आउट. ओके, तो आपने यू हैव एड्रेस दिस. बट रियलिस्टिकली ये सिचुएशन तभी पड़ेगी व्हेन इवन मेन आर लुकिंग फॉर कैजुअल रिलेशनशिप्स. बिकॉज अगर ये शादी की बात होती तो मुझे नहीं लगता कि लड़के को खुद इतना इंटरोगेशन करना पड़ेगा. सोसाइटी एंड आंटिया, कुंडलिया, घर वाले, आई थिंक दैट शुड बी इनफ टू फिगर आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस. आई डोंट थिंक दिस इज द केस. द थिंग इज, अगर किसी के घर वाले को ये पता चलता है ओके माय डॉटर इज नॉट ऑन द राइट पाथ, सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि सारे के सारे सबूतों को जला देते हैं. अच्छा, देन दे ब्रांड देयर ओन डॉटर एज द सती सावित्री, एंड देन दे आर इन अ रश कि चलो इसकी शादी सबसे पहले करनी है. लाइक आई पर्सनली नो, यू नो, आई पर्सनली नो पीपल की उन्होंने किसी लड़की से मिले, दोनों की फैमिलीज मिली, एंड विद इन 6 months शादी कर ली. फिर उसके बाद पता चल रहा हो कि ये स्टोरी है, वो स्टोरी है, ऐसा है, वैसा है. सो यू कैन डू मच आफ्टर द मैरिज. सो यू कैन ट्रस्ट अदर देन, अगर आप अपना खुद का सेल्फ रिसर्च जो है वो अच्छे से करते हैं, ओके वेरी गुड, थम्स अप ऑन दैट. बट डू नॉट ट्रस्ट द अदर पार्टी. ओके, मेक सेंस. बट फिर भी मैं इसमें ये कहूँगा कि यू नो, इफ अगर
जो भी लिसनर है, ऑल द पीपल यू नो आर लिसनिंग टू दिस, इफ़ यू आर जनरली स्मार्ट, इफ़ यू आर जनरली ऑब्जर्वेंट, अच्छा सॉरी हिंदी पॉडकास्ट है, तो अगर आप काफ़ी चतुर हो और आप आसपास की चीज़ों पे नज़र रखना जानते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यू विल बी स्मार्ट इनफ टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। बट इसमें एक और स्टार है, क्या क्लॉज है इसमें? थिंग इज दिस इज ऑन आवर लेवल, गिवन दैट यू नो हाउ टू स्पॉट बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, हाउ टू यू नो स्पॉट बेसिक फेशियल चेंजेस, हाउ टू रीड समवन्स बॉडी लैंग्वेज और एनीथिंग लाइक दैट, लोगों की टोन चेंज होती है, लोगों का जैसे इफ दे आर फेसिंग समवेयर एल्स यू नो ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग गेटिंग, तो ये सारी छोटी चीज़ें हैं एंड ओवर द टाइम ड्यू टू रीडिंग या एक्सपोजर या हैंगिंग आउट विद डिफरेंट पीपल ये अपन लोगों ने सीखा है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, लेट से समवन इज स्मार्ट, किसी को पता है, जैसे इन्होंने कहा कि आपको सिचुएशन में प्रेजेंट होना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ओके आपको ध्यान किस चीज़ पर देना है गेटिंग। तो अगर किसी को ये चीज़ पता है उसके बाद ही आप ये कह सकते हो कि चलो एक बेसिक लेवल अगर आप चतुर हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट वॉट ट्रूली डिफाइंस चतुर, उसमें भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हो तो वेल एंड गुड। तथ्य बिल्कुल तथ्य बोल रहे हो आप। देखो पहली चीज़ तो ये बैलेंस आउट करना थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने तो भाई बढ़िया हिंदी बोल दी अभी तक। मैं हिंदी बोलने शुरू करता हूँ तो बहुत टिपिकल वर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं जो आम भाषा में इस्तेमाल नहीं होते हैं। बट ठीक है, सोफिस्टिकेटेड नहीं, सोफिस्टिकेटेड भी कहा। ठीक है, तो आपने ये तो बता दिया। इसके अलावा जो हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने का हमने सोचा था वो है गेम थियरी वर्सेस फ्रेम थियरी। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों की परिभाषाएं समझा दीजिए एक बार। ओके, सो गेम थ्योरी इज जिसके बारे में पूरा ट्विटर बात करता रहता है, स्पेशली मैनोस्फेयर। गेम थ्योरी इसके आपको गेम सीखना है, गेम के बाद आप बंदियों से बात करेंगे, फिर आप गेम का यूज करके ये प्रटेंड करेंगे, प्रटेंड, नोटिस द वर्ड प्रटेंड, आप ये प्रटेंड करेंगे कि आप एक बिजी इंसान है, एक हाई वैल्यू इंसान है, ताकि सामने वाली बंदी आप में इंटरेस्टेड हो और आप बहुत ही स्ट्रक्चरली अपनी कॉन्वर्सेशंस को फ्रेम करेंगे ताकि सामने वाला बंदा आप में इन्वेस्ट करे, बंदी इन्वेस्ट करे, करेक्शन। और मतलब बेसिकली इट इज़ समवॉट फेक, यू हैव टू शो अ साइड ऑफ योर्स विच इज़ नॉट ट्रू। फ्रेम थ्योरी में आप जेन्युइनली अपने आप को इम्प्रूव इतना करते हैं कि आपका जो मैस्कुलिन फ्रेम है वो सच में एक हाई वैल्यू इंसान का हो जाता है, क्योंकि फ्रेम डायरेक्टली डिपेंड करता है जो आपकी रियलिटी होती है, आप जो अपना ऑरा बिल्ड करते हैं अपने चारों तरफ, जो एक सेल्फ इमेज होती है, जो आपके अंदर का पुरुषार्थ होता है, आप जब उसको डेवलप करते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, तब आप ट्रूली उस फ्रेम में जीते हैं। फिर जब आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, नॉट जस्ट लड़कियां, किसी भी लड़के से लड़कियां से, तो वो फील करते हैं ओके इस इंसान की एनर्जी एक अलग लेवल पे है, इसके आसपास रहने से मेरे को भी कॉन्फिडेंट फील होता, दैट इज़ योर फ्रेम। तो जब वो चीज़ आप किसी भी इंसान पे प्रोजेक्ट करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, तो वो एक बहुत ही मेजर टर्न ऑन होता है। तो जो फ्रेम थ्योरी है वो हमेशा गेम थ्योरी से बेटर होती है, लॉन्गर लास्टिंग होती है और मोर ट्रस्टेबल होती है, बिकॉज वो जेन्युइन होती है। कोई भी रिलेशनशिप जो फ्रेम से स्टार्ट होती है वो इस पॉइंट पे कभी नहीं आएगी कि सामने वाले को ये लगेगा अरे यार ये लाइक इसमें हवा ज़्यादा थी, दम कम था। तो मुझे ये बताइए कि अभी देखो आपने जो दोनों की डेफिनेशन दे दी है उसके हिसाब से तो लाइक ऑब्वियसली फ्रेम थियरी इज वॉट एवरी वन शुड परस्यू, लोगों को फ्रेम थियरी की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन गेम थियरी का मार्केट इतना बड़ा क्यों बन गया है फिर? क्योंकि इट डजेंट इवन मेक सेंस, क्योंकि गेम थियरी के हिसाब से तो आपको सिर्फ दिखावा करना है, आपको वो बनना है जो आप हो नहीं, फ्रेम थियरी में आपको वो बनना है एंड प्रोसेस ड्रिवन आउटकम है इसका।
बट व्हेन इट कम्स टू गेम थियरी ये तो मास्क है बस. फिर भी लोग गेम थियरी यार में इतनी बात क्यों कर रहे हैं सर? सी गेम थ्योरी इज कार्ड डालो पैसे निकालो. अच्छा क्विक फिक्स. या एंड फ्रेम थ्योरी इज अ लॉन्ग प्रोसेस. इट्स लाइक सेटिंग अप अ बिजनेस, फिर उसको आप कुछ टाइम बाद बड़ा बिल्ड करोगे, फिर उस पर या तो आप लड़के लगा दोगे तो ऑटोमेट होगा, या आप उसको टैक्स से चलाओगे तो ऑटोमेट होगा, फिर उसके बाद आपकी एक रिकरिंग रेवेन्यू आने लगेगा. बट लोगों को वो नहीं चाहिए, उनको चाहिए तुरंत. एंड एज आजकल के जमाने में सभी को चाहिए सेक्स. सो व्हाट दे वांट इज ओके, किसी भी लो वैल्यू वुमेन को, लो वैल्यू आई एम सेइंग क्योंकि कोई भी हाई वैल्यू वुमेन इतने जल्दी गेम के थ्रू लियोर नहीं होती है, स्पेशली वो भी वन और टू डेट्स में सेक्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है. गंदा शब्द आप ये बहुत गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो. संभोग बोलिए, संभोग. संभोग हिंदी पॉडकास्ट है यार क्या. तो अगर हाँ जी, मोस्ट ज्यादातर मेन को आजकल चाहिए संभोग. बिल्कुल. एंड फॉर दैट व्हाट दे वांट इज कि ओके मेरे को चार लाइनें बता दो, मैं जाके इसको बोलूं ये मेरे से पढ़ जाए, अगले दिन सेक्स, संभोग. एंड देन दे वांट कि ओके नाउ नेक्स्ट मूव टू द अदर वन, बिकॉज किसी को ट्रॉमा इमोशनल बैगेज चाहिए ही नहीं है, किसी को जिम्मेदारी चाहिए ही नहीं है. ऑल दे वांट इज चीप प्लेजर्स एंड देन मूव ऑन. इसीलिए गेम थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलराइज है, बिकॉज अगर आप किसी बंदे को बोलोगे कि चलो भाई घर में बैठना है, अंदर रहना है, काम मेहनत से करना है, फालतू के कामों में हाथ नहीं डालना है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि कोई करेगा, क्योंकि करने वाले ऑलरेडी कर रहे होते हैं, वो किसी का इंतजार नहीं करते कि ये मेरे से बोलेगा तो करूंगा. और गेम थ्योरी के ऊपर प्रोडक्ट बना के बेचना भी बहुत आसान होता है. हाँ वेरी ट्रू. एंड सी इट वर्क्स. आई वोंट डिनाई कि काम नहीं करती चीज, बस हाई वैल्यू नहीं मिलेगा तुम्हें. हाँ इट्स लाइक कि जो मार्केट में चल रहा है अब, जो मार्केट में चलता रहता है ना, वो चलता ही है, वो कुछ ऐसा मतलब बहती गंगा में हाथ धो लो. हाँ नहा क्यों धो लो, नहा धो लो ठीक है, बहती गंगा में नहा लो. ये बहती गंगा ना डुबा देती है बहुत लोगों को. सही, स्टिल मेन आर सेफ टू एन एक्सटेंट, बट चीज क्या होती है कि फिर पेयर बॉन्डिंग भूल जाओ. दे वोंट एवर ट्रूली लव देयर वुमन, बट थैंक गॉड देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके बेसिस पे रिलेशनशिप चल जाती है. ब्रदर जी हिंदी. ओके सो तो ऐसा है कि भगवान का शुक्र है जो उन्होंने जिम्मेदारी जैसी एक चीज बनाई है जो सारे लड़कों में होती है, एंड स्पेशली जब वो बड़े हो जाते हैं और मेन की कैटेगरी में आ जाते हैं तो वो जिम्मेदार हो जाते हैं. जैसे ही वो शादी वाले फेज में आते हैं वो अपनी वाइफ को प्यार करें ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली कैजुअल सेक्स अगर इतना करेंगे तो पेयर बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी. उसके बाद जिम्मेदारी के बेसिस पे वो अपनी मैरिड लाइफ को आगे तो ले जा सकते हैं, बट वुमेन साइड पे ये चीज टोटली खत्म हो जाती है, क्योंकि पेयर बॉन्डिंग एक बार खत्म हो गई और वो इमोशनली बेस्ड होती है. जिम्मेदारी को वुमेन उतना सीरियसली नहीं लेती है, बहुत छोटा परसेंट है जो सीरियसली लेता है, एंड दैट टू इज डिमिनिशिंग, मतलब वो गायब हो रहा है. सो आने वाला समय काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है. काफी सारे लोगों को मैस्कुलिन सेज की जरूरत पड़ने वाली है. बिल्कुल. तो मेरा अगला सवाल आपके लिए ये था, गेम थियरी के अंदर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और फ्रेम थियरी के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो अभी आपने उत्तर दिया उसके बेसिस पे मुझे ये समझ आ गया कि गेम थियरी के अंदर आता है पिकअप आर्टिस्ट्स, पिकअप लाइंस, एंड फ्रेम थियरी के अंदर यू नो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, गेटिंग योर फाइनेंशियल्स राइट, बिकमिंग अ हाई वैल्यू मैन ओवरऑल. तो गेम थियरी के और क्या कंपोनेंट्स है ऐसे? सी गेम थियरी मेनली फोकसेस ऑन बिल्डिंग अ इमेज, आउटर इमेज ऑफ योर. गेम थियोरी में मेन चीज ये होती है कि आपका एक आउटर इमेज बनाना है जो कि अट्रैक्टिव हो. ओके फिजिकली हो ना हो, मेंटल लेवल पे उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो कि डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ पे कितना फोकस्ड हो. बिकॉज एवेंचुअली वुमेन सीक अटेंशन फ्रॉम पीपल, वुमेन को अटेंशन चाहिए उन लोगों से जो उनसे बेटर होते हैं. sure.
क्योंकि सभी को इस पूरी दुनिया में अपना स्टेटस बढ़ाना है। वुमेन ये मैन के संग करती हैं और मैन यूज़ करते हैं वुमेन को ट्रॉफी की तरह, ऑब्वियसली अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। तो पूरी स्टोरी का सारांश यही है कि ये आपको एक आउटर इमेज बनाने के ऊपर फोकस करता है। ओके कि चलो ये बात बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता है, इसमें क्लास है, ये एंटरटेनिंग है, ये बिजी भी रहता है, इसकी एक लाइफ है, इसके चारों तरफ लाइक देर इज दिस वन थिंग लाइक ओके वी फन, यू नीड टू मेक हर फील हैप्पी। सो देर आर टू वेज टू दिस, इधर आप चार लाइन्स सीख के जा सकते हैं जी, और या फिर कोई एक फेक स्टोरी बिल्डअप कर सकते हैं अपने बारे में, बिकॉज स्टोरीज आर द बेस्ट जब आप किसी को फील कराना चाहते हैं कि ओके आप अपनी एक इमेज सामने वाले के दिमाग में डालना चाहते हैं, उस टाइप की कोई भी एक फेक स्टोरी लिख लो, ठीक है, उसके अंदर इमोशंस ऐड कर दो एंड उसको बस सुना दो, प्रो टिप्स, आपका काम हो जाएगा। ओके तो बट फ्रेम थ्योरी में आपको सच में वो लाइफ जीनी पड़ेगी, इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। और जब आप फ्रेम थ्योरी के पाथ पे जाते हैं तो आपका स्किन इन द गेम होता है, आपको हर एक छोटी डिटेल पता होती है क्योंकि आप उससे जी के निकले हो, आपने खुद उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, आपको पता है जब ठोकर लगती है तो कैसे गिरते हैं, आपको ये भी पता है जब जीतते हैं तो लगता कैसा है। बट आप ये चीज़ उतना डिटेल में गेम थ्योरी में नहीं बता सकते बिकॉज आपका इवेंचुअल गोल इज टू गेट लेड। बट इन फ्रेम थ्योरी योर गोल इज नॉट टू गेट लेड, योर गोल इज टू बिल्ड योर सेल्फ अप एंड गेट बेटर इवेंचुअली। जैसे ही आप लाइफ में ऊपर जाने लगेंगे वहां पर लड़कियों की तादाद बढ़ती जाती है। क्या बात है, आपने एक और चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे लड़कों की उम्र बढ़ती है वो जिम्मेदारियाँ समझना शुरू कर देते हैं, तो वॉट इज द पॉइंट, दैट रेफरेंस पॉइंट, वो एज का पॉइंट जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये बंदा लड़के से मर्द में बन चुका है अभी? सी इन माई एक्सपीरियंस इट इज ऑलवेज इन बॉयज, द ओनली थिंग इज जब आप उनको स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिचुएशन से पुश करते हैं, एज इन सपोज एक एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पावर स्टेटस, एक जनरल हर एक चीज़ का एक जनरल लेवल बना लो, उस पर कोई भी लड़का खड़ा है, उससे कम लेवल वाला कोई भी एक बीइंग उसके आसपास आएगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी की सारी मैस्कुलिन ट्रेट्स ट्रिगर हो जाती हैं, प्रोटेक्टिव होना, केयरिंग होना, प्रोवाइड करना। सपोज यू आर स्टैंडिंग, जैसे आप खड़े हुए हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे एंड आप किसी छोटे बच्चे को, स्पेशली अ गर्ल चाइल्ड, उसको आप रैंडमली रोते हुए घूमते हुए देखते हैं, सो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक फीलिंग ट्रिगर होती है, ओके एटलीस्ट आई विल टेक केयर ऑफ हर, कि इसको कोई हाथ पकड़ के लेके ना चला जाए। गेटिंग एंड 99% ऑफ द मैन आर गुड मैन, जो 1% है वो किडनैप करते हैं। तो जो 99% ऑफ मैन है वो ट्राई करेंगे कि उसके पेरेंट्स को ढूंढे, नहीं मिलेगा तो वो सारे के सारे उसको कम से कम पुलिस स्टेशन छोड़ के आएंगे। हाँ जी, इतना वो खुद से कर देते हैं। सेम थिंग वुमेन के संग होती है, जब आप किसी वुमेन को देखते हैं, दिस इज ऑल्सो द रीजन लाइक शिवलरी एग्जिस्ट, दे वॉन्ट टू यू नो मेक वुमेन फील प्रोटेक्टेड प्रोवाइडेड एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज द रीजन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर सेव्ड फर्स्ट, बिकॉज ऑल मैन अंडरस्टैंड जेनेटिक लेवल पे कि उनका एक ड्यूटी है, उनको मैन बनना है, वही तो है जो बोट्स उठा के लेके जाएंगे। हाँ जी, तो ये उनके अंदर रहता है पहले से, इट इज जस्ट कि सिचुएशन नहीं आएगी तो कैसे होगा। इसीलिए पेरेंटिंग में ये भी बोला जाता है कि ओके अपने जो मेल चाइल्ड है उसको आप ज़्यादा बचा के मत रखो, अगर आप उसको ज़्यादा बचा के रखोगे तो ऐसे सिचुएशंस में वो जाएगा नहीं तो फिर समय आने पे कुछ नहीं कर पाएगा, राहुल गांधी बन जाएगा, पॉलिटिकल हो गया। कोई बात नहीं। अच्छा सेज भाई, आपका डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या ओपिनियन है? डोमेस्टिक वायलेंस पे सी इट इज नॉट वर्थ इट, देयर आर अदर बेटर ऑप्शंस जिससे आप अपना काम करवा सकते, जैसे यस जैसे यूजुअली मेन हाथ कब उठाते हैं, जब वुमेन सुनती नहीं है और जबरदस्ती सामने वाले को हर्ट करने के लिए उनके ईगो के ऊपर स्टेप करती हैं। अच्छा, सो इट इज अ ट्रिगर जो लड़के अपने हाथ से लड़कियों के हाथ में थमा देते हैं,
कि माय ईगो इज वेरी बिग, अगर आप इस पर पैर रखेंगे तो मुझे दर्द होगा, तो सामने वाला इंसान वही करता है. एंड वुमेन आर लाइक चिल्ड्रन, और जिद्दी बच्चों को आप कभी भी फोर्स से कभी नहीं समझा सकते हो. बट बच्चों को तो लगा देना चाहिए ना कभी कभी दर्द. हाँ डिपेंड्स. आई वोंट से कि ओके ऑल वुमेन आर वेरी गुड, दे डोंट डिजर्व अ बीटिंग. दे डू. ओके बट सेम इज ट्रू विथ ऑल ह्यूमंस, नॉट जस्ट विथ वुमेन, क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ दिमाग से घूमे हुए लोग होते ही हैं. बिल्कुल है ना. एंड इट इज जैसी इफ आपका किसी एक ऐसे इंसान से पाला पड़ता है, स्पेशली वुमेन जो कि बिल्कुल ही नहीं मान रही है, एंड दे आर हेल्प बाउंड कि आपकी ऐसी तैसी करनी है, तो द बेस्ट वे इज कि आप अपना रास्ता अलग कर लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि गिवन द मॉडर्न सिनेरियो गेटिंग आप बहुत ही जल्दी जेल में पहुंचने वाले हैं. तो इससे अच्छा है कि आप अपना जो भी उनके संग लेना देना है उसको अलग करें, हाथ जोड़ें और एक तरफ हो जाएं. बिकॉज यू कांट रिस्क योर फ्यूचर, ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क जस्ट बिकॉज एक लड़की दिमाग से घूम गई. कहेंगे इट इज नेवर वर्थ इट, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू कंसिडर कि नहीं भाई ये बंदा भी सही हो सकता है. एंड अपार्ट फ्रॉम जस्टिफाइंग डोमेस्टिक वायलेंस, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, बट थिंग इज मैन आर बींग्स ऑफ एग्रेशन. हाँ जी. और अगर आप किसी भी मैन को स्ट्रैटेजिकली पोक करते हैं तो सारे के सारे अपना आपा खोल देंगे. बिल्कुल. खो देंगे, लाइक दे विल गेट वायलेंट. तो इट इज बेटर कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें. हो सकता है आपके खिलाफ प्लानिंग हुई हो, क्योंकि आप किसी अगर ऐसी वुमन के साथ रह रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपका 100% जानती है कि ओके इसका बिहेवियर कैसा है, किस चीज़ से इसको दर्द होगा, किस चीज़ से ये बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएगा और कोई एक ऐसा स्टेप उठाएगा फिर मैं इसको आड़े ले लूँगी. गेटिंग. अच्छा, और एक और ये ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, अभी तक मुझे नहीं समझ आ रहा है कि थमा क्यों नहीं. इट्स अबाउट चिल्ड्रन डिस्पाइजिंग देयर फादर्स, स्पेशली लाइक अर्ली 20s में, क्योंकि एक जनरल बिलीफ सी आ चुकी है मोस्टली थ्रू, मैंने तो ट्विटर पे ही देखा ये सब, कि यू नो उनके पिताजी उनकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, या फिर यू नो उन्हें दबाना चाहते हैं, जैसे उनके पिताजी थे अपने बच्चों को वैसे ही बनाना चाहते हैं. ऑल्दो रियल लाइफ में तो मैंने ऐसे कोई इंसिडेंट्स अभी तक देखे नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग क्लेम करते हैं उनके साथ कुछ हुआ है, तो इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा. देखो मैंने तो ऐसे केसेस नहीं देखे. मैंने भी नहीं देखे. गेटिंग. बट चीज़ क्या है कि एक बहुत अच्छी बीमारी होती है सभी इंसानों में ब्लेम करने को, और अब सबसे अच्छा बकरा तो फादर ही होता है. बिल्कुल. गेटिंग. अब देयर इज आल्सो चांसेस कि ओके फादर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है सभी की लाइफ में, बट सारी अच्छी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ओके इस इंसान ने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लाइफ दी है. लाइफ का भी एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मैंने तो बोली नहीं था, बट दैट इज प्लेन स्टूपिड. देन उसने आपको फीड किया है, उसने आपको प्रोटेक्ट किया है, उसने आपको प्यार दिया है. ओके उसने कुछ गलत कर हो सकता किया हो, बट यू कांट डिनाई कि बिल्कुल ही प्यार नहीं दिया, ऐसा नहीं होता. सो थिंग बीइंग आप एक ऐसे इंसान पे टोटली डिपेंडेंट हैं आपके सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, फॉर एवरीथिंग, एंड आप हर चीज़ छोड़ के एंड में ये चूज़ करते हैं ओके इसने सब कुछ मेरे संग गलत किया, ही इज़ द रीज़न कि मैं फेलियर हूँ, इसने मेरे को ये करने ही नहीं दिया, 2 साल पहले अगर मुझे ये करने दे तो आज तो मैं बिलियनियर हो जाता, तो ऐसा नहीं होता. मोरओवर आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं, दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर देयर पेरेंट्स, सो दिस नीड्स टू स्टॉप एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट. सही बात है, अभी पिताजी बचपन में लगाते नहीं तो हम ही आनी होते हैं. वेरी ट्रू. अभी से गुस्सा समझे, प्यार समझे, बट मेरा भी फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा ओल्ड स्कूल ही है इस पर्सपेक्टिव में. जब तक मुझ में भी था बचपना, लाइक इवन अनटिल लाइक जब मैं 19 साल का भी था, तब तक वही था मेरे दिमाग में कि पापा को क्या पता,
इन्हें मॉडर्न चीजों के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है. आई वॉज कंसल्टिंग दिस वन गर्ल टूडे. अच्छा, ये चीज मैंने उसको भी बोली थी सेम चीज. द प्रॉब्लम इज कि लोग थोड़ा सा एक जो लर्निंग कर्व होता है वो चीज बहुत जल्दी खत्म कर देता है. बिल्कुल, आपको हमेशा सीखते रहना है. उससे क्या होता है कि आप ओपन रहते हैं नए पर्सपेक्टिव्स के लिए, नई अंडरस्टैंडिंग्स के लिए. अगर आपके फादर बोलते हैं कि नहीं बेटा आपका ये डिसीजन कचड़ा है, तो हो सकता है वो कचड़ा हो. आप उसको टॉलरेट करें, जरा सुने आप उस चीज को. हो सकता है वो प्रूव ना कर पाए इस चीज को, बट ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान ने 40-50 साल निकाल दिए इस प्लैनेट पे, उसी वर्ल्ड में जिसमें आप रह रहे हैं, और वो कुछ कह रहा है तो बिल्कुल बेसलेस हो गया. सो एटलीस्ट थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए सुनने के लिए. ओके, कि एक डिफरिंग ओपिनियन भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि आप हर बार लात खा के ही माने. बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर चीज टू द पॉइंट विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो पिताजी ने बोली वो आपको करनी है. ऐसा भी नहीं है. आपको खुद का दिमाग लगाना है, अपना खुद का इंटरप्रिटेशन लेना है. लेकिन ये बंदा आपका अच्छा ही चाहता है. बचपन में आपकी स्कूल की फीस इन्होंने भरी है. ये नहीं होते तो तुम कहीं के नहीं होते. एंड द मोस्ट आयरोनिक पार्ट अबाउट दिस इज कि जिस फोन पे वो लोग ट्वीट कर रहे होते हैं 90% ऑफ द टाइम वो उनके फादर का दिलाया होता है. वेरी लेस ग्रैटिट्यूड. अपने पिताजी के खरीदे हुए फोन पे ट्वीट आते हैं कि आई हेट माय फादर, ही इज कंट्रोलिंग, ही इज नॉट कंट्रोलिंग, ही जस्ट वांट्स टू प्रोटेक्ट यू. अंडरलाइंग मोटिव को ना मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं ये लोग. प्रोटेक्शन को ऑपरेशन मान के पूरी नैरेटिव चेंज कर देते हैं. एंड आई थिंक इसके पीछे बहुत बड़ी समस्या है. द मेन एम इसकी बच्चों को अपनी फैमिली के खिलाफ कर दो. अकेले हो जाएंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे फैमिली पे डिपेंड नहीं रहेंगे तो सिस्टम पे रहेंगे. सही, खाना पीना तो है ही. फिर उसके बाद उनको तोड़ना आसान हो जाएगा, कंट्रोल करना आसान हो जाएगा. बिल्कुल. एंड दिस डज नॉट मीन कि चिल्ड्रन आर विक्टिम. चिल्ड्रन स्टूपिड है कि वो सुन रहे हैं सारी चीजें. अगर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम है ये, इन्होंने खुद ही अपने ऊपर लाई है. पोस्ट पढ़ के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि चलो मेरे माँ बाप जिनने मेरे को 20 साल से पाला हुआ है वो सही है या फिर ये इंटरनेट पे 6-7 पोस्टें सही हैं. मोरओवर नोबडी वांट्स टू टॉक ऑन दिस. ओनली 1-2% पीपल आर देयर जो मेरे से फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, पेरेंट्स के इश्यूज के बारे में बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर अबाउट यू नो इसको कैसे पटाए, उसको कैसे पटाए, मेरा इसके संग रिलेशन ऐसा हो गया, खराब हो गया, वो खराब हो गया. यार भाई, बंदियों से बाहर आओ, जिंदगी बनाओ, कुछ कर लो. जिन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है उनका भी सोच लो. हाँ, वेरी ट्रू. इस चीज में फ्यूरर गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. इस पोस्ट वेरी गुड. और वो बंदा लाइक शुरू से बहुत बहुत ही यू नो वो बंदा अपनी साइकोलॉजी अपनी पर्सपेक्टिव पे बहुत क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग रहा है स्टार्टिंग से ही. I think that's commendable. He's the man we need. बट यार मुझे भी काफ़ी लेट ही समझा था कि भाई देखो पिताजी जो बोल रहे हैं सही ही बोल रहे हैं. ठीक है, 5-10% एडवाइस गलत होगी क्योंकि तब वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है. थिंग्स आर डिफरेंट, तब लोग भोले थे, अभी नहीं है. बट मोर ऑर लेस जो फ्रेम ऑफ जो इनका फ्रेम है, थिंकिंग स्ट्रक्चर है, आई डोंट थिंक दैट शुड बी डाउटेड एट एनी पॉइंट. या वेरी ट्रू. मोर ऑर सी सेम थिंग हैपेंड विथ मी व्हेन आई वाज 17. आई वाज इन इस बिलीफ में था ओके कि लाइक घर वालों को कुछ नहीं पता है, उन लोगों ने बहुत अलग एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, उनको क्या ही पता दुनिया में ये सब भी होता है. देन लेटर आई फाउंड आउट कि ओके बस ओके बेटा यू आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो रखे थे, तुमने कुछ नहीं देखा अभी तक. हाँ, आप बस हैं गडिंग, आपको भी बहुत दुनिया देखनी है. अभी तक लाइक क्या तुम एक बोट के ऊपर बैठे हुए थे जिस बोट का इंजन तुम्हारा पिता चला रहा था. हाँ, फाइनली दुनिया में घुसने लगे हो, खुद स्विमिंग करनी पड़ रही है तो लग रहा है कि नहीं 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 ये सब तो गलत है, स्विमिंग इज बेटर. भाई लोग 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब उनके फादर की डेथ होती है फिर उनको पता चलता है कि ओके इस इंसान के होने से मेरे को ये सब नहीं करना पड़ रहा था.
बिल्कुल, बहुत चीजें हैं यार, बहुत चीजें जो फॉर ग्रांटेड ही ले ली जाती है। और ऊपर से सभी लोग अपने फादर का जो इनहेरिटेड नेम एंड स्टेटस होता है उसकी जो फसल काटते हैं उसको तो भूल ही जाते हैं। बिल्कुल, कहीं पे जाएंगे या कहीं सोसाइटी में रह रहे हैं, फादर का नेम कितनी बार यूज करते हैं कि हम इनके लड़के हैं या इनकी लड़की हैं, ऐसा फेवर चाहिए, तो वो चीज तो लोग करते ही करते हैं, उस बारे में भी कोई इतना ग्रेटफुल नहीं होता है। सही बात है, क्योंकि देखो बचपन से आप अपने पिता के नाम से जाने जाते हो, क्योंकि तब तक तुमने कोई अपना नाम नहीं बनाया है। जब तुम अपना नाम बनाना शुरू करते हो, जब नया नया देखा कि अच्छा लोग मुझे जानने लग गए इंस्टेड ऑफ कि ये इनका बेटा है, जब ये तुम इस पॉइंट पे आ जाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि बचपन से जिसके नाम से तुम बने हो उसको भूल जाओ कि नहीं इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। वो एक ही आदमी है पूरी दुनिया में जो सब कुछ दे देगा सिर्फ तुम्हारे वेलबींग के लिए। वेरी ट्रू। आई थिंक जो भी हमें मेजर टॉपिक्स डिस्कस करने थे, आई थिंक वो सब तो हमने कवर कर लिया अभी तक। गेस लिसनर्स को काफी ज्यादा कुछ इसे सीखने को मिलेगा, एंड वी विल ट्राई कि अपन लोग नया एपिसोड काफी जल्दी लाएं, एज वी आर नॉट वेरी पंचुअल ऑन यूट्यूब। अरे Spotify पे भी। या रिगार्डिंग दिस, व्हेन इज द सैंडूट्स नेक्स्ट सीजन कमिंग आउट? काम चालू है काफी, मैंने 5 के आसपास तो रिकॉर्ड कर लिए हैं, क्योंकि अभी मैं एक थ्रेशोल्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक बार शुरू हो जाए तो रुकना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कब तक शुरू होता है। हाँ जी, ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम द पॉडकास्ट, प्लीज लीव अ लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।